समझना, लेकिन मैं लेके आया हूं एक ही नहीं चार स्टॉक्स एक ही स्पेस के। दरअसल ऑफ लेट आपने क्या नोटिस करा स्क्रीन पे, कोई पावर स्टॉक, कोई कैपिटल गुड्स, कोई डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज बढ़िया कर रही है। कैपिटल गुड्स में भी डिफेंस स्टॉक्स कई सारे इंक्लूडेड हैं, है ना। तो मैं डिफेंस की पैक पूरा लेकर आया हूं क्योंकि कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से अपडेट जो सामने आए वो इंटरेस्टिंग है। मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट्स आए कि हमारी जो थर्ड लिस्ट है इक्विपमेंट्स की, बेसिकली कौन सी लिस्ट, वो इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी कंपनियों को ही वो ऑर्डर्स डोल आउट किए जाएंगे, हिंदुस्तानी कंपनीज ही वो सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, वो थर्ड लिस्ट आनी है। तो बेसिकली है फुली इंडिजिनाइज करना 2025 तक। तो ये थर्ड लिस्ट जो है इसमें कहा जा रहा है 100 से ज्यादा और आइटम्स इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे, जहां पे सिर्फ जो ऑर्डर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आएंगे डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ही होंगे, उन्हीं को एग्जीक्यूट करने होंगे, फॉरेन प्लेयर्स आउट होंगे उस गेम से। तो कहा जा रहा है 2,10,000 करोड़ के ऑर्डर्स वेरी लाइकली है प्लेस होते हुए नजर आए, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। अब हम कहते तो बहुत सारी कंपनीज हैं, पर हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डिफेंस के ऑर्डर्स रोल आउट किए जाते हैं सिर्फ ज्यादातर सरकारी कंपनीज ही की बेनिफिशरीज होती हैं, और सरकारी कंपनीज के साथ हो सकता है किसी मिसाइल ऑर्डर सिस्टम में फलना और डिमका प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनीज कंपोनेंट सप्लाई कर रही हो, पर ऑर्डर्स जाते हैं सरकारी कंपनीज के पास। तो आप रखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को रडार पे, सबसे स्वीट स्पॉट पे मेरे ख्याल से BEL का स्टॉक। मैं सिलेक्टिव लेके आया हूँ, BEML को हटा दिया मैंने क्योंकि डिफेंस का प्ले सबसे बड़ा आपको मिलेगा लिस्टेड स्पेस में। वैसे तो बहुत सारी सरकारी नॉन लिस्टेड कंपनीज जहाँ ऑर्डर चले जाते हैं, पर BEL को रखेंगे रडार पे, देखते हैं आज किस तरह का मूव आता है। दूसरा स्टॉक जो कुछ दिन पहले फिर मैंने मेंशन करा था, गार्डन रीच शिप बिल्डर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का जो क्वार्टरली या कहिए FY22 का प्रोविजनल अपडेट आया था बहुत स्ट्रांग था, सीधा सौदा की टीम में मेंशन था, इतना बढ़िया अपडेट था कि इसके चलते इसके सारे पीयर्स, कोई मजगांव डॉक और बाकी के स्टॉक्स भी पूरे हरकत में आए, तो पूरा स्पेस रिलेट हो रहा था। गार्डन रीच को फिर रखिएगा रडार पे, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बड़ा बेनिफिशियरी होगी स्पेस के लिए। अब इसमें बाकी स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं सिर्फ इसका, क्योंकि मेरे पास कंफर्ट FY22 के बढ़िया नंबर्स का, इसीलिए इसको सिंगल आउट कर लिया। भारत डायनेमिक्स तीसरा, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आई एम श्योर बहुत हद तक मिसाइल सिस्टम्स पे फोकस होगा, बल्कि मिसाइल सिस्टम्स को लेकर तो यह कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स के लिए भी तैयारी करना शुरू हो चुके हैं, साउथ ईस्ट एशियन कई सारी कंट्रीज से इंक्वायरीज आ रही हैं और इंडियन मिसाइल सिस्टम्स डिमांड ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। भारत डायनेमिक्स को रखिएगा रडार पे, ये वो मिसाइल सिस्टम्स का की बेनिफिशियरी भी होता हुआ शायद आपको नजर आए, और मुझे अगर सही याद पड़ता मैं लिख के नहीं लाऊं इसलिए नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, इस कंपनी की करंट ऑर्डर बुक रफ है जो मेरे बैक ऑफ द माइंड याद है मुझे, आप प्लीज चेक करिएगा। 10,000 करोड़ रुपए की शायद BDL की बुक थी और जो ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है जो ट्रिकल होते हुए नजर आएंगे उससे कहीं ज्यादा के, तो BDL के लिए स्वीट स्पॉट है, इसीलिए रख रहा हूं इसको। और एक प्राइवेट स्पेस की कंपनी, वो जो रिसेंट लिस्टिंग थी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक जितना चला उतना ही वर्टिकली जितना चला था उतना ही करेक्ट होता हुआ नजर आया, अब एक कंसोलिडेशन मोड में। इंटरेस्टिंग कंपनी थी, IPO रिलेटेड सारे अप्स